भाइयों कैसे हैं आप लोग? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। तो क्या आप लोग को पता है गेम में सारे क्रिमिनल बंडल रिटर्न आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। और हमारा इवो कोबरा MP40 भी रिटर्न आ रहा है। और हमारी गेम के अंदर कौन सा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है ये पता है क्या? वैसे इधर सुनो मैं क्या बोल रहा था, बहुत दिन हो गए दबाए, आज तो दबा दो। अरे नहीं नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं, आँख बंद करके दबा दो। अच्छा फ्री में ही दबा लो। अरे सब्सक्राइब बटन यार। तो नमस्कार हम धरतीवासी हो। देखो ये राज का अपडेट ना कुछ हटके है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि आखिर इस गाने का मतलब क्या है। खड़ा है। अबे साले अपडेट दे दे, कभी तो बढ़िया वीडियो बना ले। तो मित्रों एंड मित्राणियों, देखो भैया सबसे पहला अपडेट जो है ना वो हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल है। वैसे इस डायमंड रॉयल के अंदर देखने को कुछ नहीं है, बस राउडी सी रूलर, पता नहीं क्या नाम है भाई, सी रूलर। तो भाई यार ये राउडी सी रूलर जो नाम रखा गया है ना, कुछ सोच समझ के रखा गया होगा, बट इसका हेयर स्टाइल यार, हेयर स्टाइल दाढ़ी में भी लगा दिया गया और हेयर स्टाइल भी है। मतलब यार गरीना करना क्या चाहती है? अब गरीना का पता नहीं क्या करना चाहती है, बट मैं ना इनको पूरे तरीके से रोस्ट करना चाहता हूँ, और वो भी फनी वे में। तो यार 500 कमेंट करा दो भाई, मस्त वाला रोस्ट लाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने नर्सरी का मार्कशीट का नंबर डालो या फिर अपने बनियान का साइज, मेरे को नहीं पता, बस कमेंट आ जाना चाहिए। बाकी ये हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल लड़का का, एंड ये भाई भाई हेयर स्टाइल यार, हेयर स्टाइल लिटरली बता रहा हूँ, ये दाढ़ी वाला कुछ लॉजिक बना नहीं। वैसे यार ये भाई कैसा लगा तुम लोगों को बंडल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ये हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है। एज यूजुअल अगर मेरे से पूछो तो भाई मेरे को ग्रीन कलर पसंद नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अगला एपिसोड तो देखो भैया यहाँ पर 5th एनिवर्सरी का जो कैलेंडर है ना, उस कैलेंडर के कुछ आइटम्स निकल के आ चुके हैं, जिसके अंदर तुम लोगों को जस्टिन बीरबल कैरेक्टर, कुछ रॉगिन रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भाई परांग की स्किन है, लड़की का भाई ये वाला बंडल जो कि अद्भुत दिख रहा है यार। तो ये जो है ना आप लोगों को कुछ आइटम जो है इंडिया के बाहर वाले हमारे सिंगापुर के सर्वर में आए हुए, तो सेम टू सेम कैलेंडर इंडियन सर्वर के लिए भी होगा, जिसके अंदर जस्टिन बीरबल का कैरेक्टर भी फ्री मिलेगा। अब जिसको भी इसके बारे में डिटेल में चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। यार वेट करो भाई, इंडियन सर्वर के लिए जैसे ही निकल के आता है ना इसका कैलेंडर, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यस गाइस, जरा बात कर लेते हैं हमारे क्रिमिनल बंडल के बारे में। तो देखो भाई इस बार जो रेड नियॉन क्रिमिनल बंडल है ना, वो 1 in 2 है, मतलब 1 in 2 नियॉन क्रिमिनल बंडल है। इसको उल्टा बोल दिया, 2 in 1 नियॉन क्रिमिनल बंडल है। इसका मतलब ना इसके अंदर नियॉन इफेक्ट भी होगा एंड क्रिमिनल बंडल भी होगा। और एक चीज और कर सकते हो, जिसके अंदर ना ये इफेक्ट्स को हटा करके सिर्फ रेड क्रिमिनल बंडल भी रख सकते हो, मतलब एक टोकन आएगा एंड उस टोकन को हटा दोगे, या फिर भाई 2 in 1 आप लोग समझ सकते हो फोटो देख करके, मतलब इक्विप करने के ऊपर है, ऊपर नीचे आपको इक्विप करके रख सकते हो, मतलब कि आपका मर्जी है। तो आप लोग इसको नियॉन बना करके रखो, मतलब इफेक्ट डाल के रखो, और अगर मर्जी नहीं है ना तो हटा करके सिंपल नॉन नियॉन बिना नियॉन के रखो, यानी कि सिंपल रेड क्रिमिनल। ये वाला क्रिमिनल बंडल ना आप लोगों को जल्दी टोकन टावर या फिर इंक्यूबेटर के अंदर देखने को मिल सकता है, ज्यादा चांसेस टोकन टावर के बताए जा रहे हैं। 5th एनिवर्सरी के टाइम पे ही आएगा। तो अब जैसा कि तुम लोगों को पता है 5th एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट ही होने वाला है 5 तारीख से, तो बस यार वेट करो, ये इवेंट जल्दी आने वाला है। ऐसे क्रिमिनल बंडल की बात कर ही रहे हैं तो आप लोगों को ना एक इवेंट और बता दूं, यहां पर बांग्लादेश के सर्वर में ना 13 अगस्त से 19 अगस्त तक जितने भी क्रिमिनल बंडल थे, येलो पर्पल पिंक भाई जो भी है यार, ब्लू ग्रीन जो भी है ना, इस वाले बैनर के अंदर जितने भी क्रिमिनल बंडल दिखाए गए ना, सब 13 अगस्त को आ जाएगा। बाकी ये वाली इवेंट अभी इंडियन सर्वर के लिए कंफर्म नहीं हुई है कि कब आएगा, बट इंडियन सर्वर में भी जल्दी आने वाला है, सारे क्रिमिनल बंडल रिटर्न आएंगे गाइस, तो रेडी हो जाओ इसके लिए। मैं तो थक गई भाई साहब। हाँ यार इतने सारे अपडेट सुनाने के बाद ना मैं भी थक गया हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, एम करते 5000 लाइक का, जो कि आप लोग कंप्लीट नहीं करवाओगे मेरे को पता है। देखो यार इतने 100% कंफर्म इवेंट बताने के बाद भी ना अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो दिल से बुरा लगता है भाई, तो कर दो। और एक बात यार, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारी कम्युनिटी ना धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग खुद देखो भाई कितने सारे लोगों ने फ्री फायर छोड़ दिया, कितने सारे क्रिएटर ने अपना कंटेंट बदल लिया है। तो यार अगर हम लोग अभी चल रहे हैं भाई, मतलब अगर मेहनत कर रहे हैं ना, अगर कल को हम छोड़ देते हैं कंटेंट स्विच कर लेते हैं, तो यार पूरी तरीके से कम्युनिटी बंद हो जाएगी फ्री फायर की। तो यार प्लीज सपोर्ट करो, ताकि यार तुम लोगों को ना आगे जा करके बहुत ज्यादा हेल्प मिले कम्युनिटी के लिए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो भाई हमारा नेक्स्ट इवो गन जो रिटर्न आने वाला है ना, वो MP40 होने वाला है, मतलब इवो MP40 रिटर्न आने वाला है इंडियन सर्वर के लिए। अभी फिलहाल के लिए ना इस गन का डेट कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म होता है तुम लोगों को मैं बता दूंगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन सर्वर में आने वाले क्रिमिनल बंडल की, यानी कि आप लोगों को जितने भी क्रिमिनल के इंक्यूबेटर थे ना, वो इसी तरीके से आपको इंडियन सर्वर में रिटर्न आएंगे, मतलब दोनों ही बंडल एक साथ कनेक्टेड होगी। एंड इसी के साथ ही आप लोग देखो भाई यहाँ पर जब क्रिमिनल बंडल रिटर्न आएगा ना,
तो इसी के साथ साथ सारे के सारे क्रिमिनल बंडल, मतलब पर्पल ब्लू पिंक जो भी था ना, वो सब के सब रिटर्न आएंगे। जैसे आप लोग इस बंडल के अंदर देख सकते हो, मतलब इस थीम के अंदर देख सकते हो, जो कि आप लोगों को इंटरफेस में दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन से इवेंट रिटर्न आने वाले वो भी बता दूं। तो इसके अंदर ना आप लोगों को पर्पल वाला इंक्यूबेटर भी रिटर्न देखने को मिलेगा एंड ब्लू वाला भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ येलो क्रिमिनल भी रिटर्न आ जाएगा। मतलब ये रियर के नाम पे ना टट्टी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, एंड वो भी पता नहीं किसी ना किसी दिन ये लोग डाल करके दे देंगे। यार तुम लोग ना कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जितने आइटम जो रेयर आने वाले, इंक्यूबेटर क्रिमिनल इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाला है यार, लिटरली भाई। तो इसके आने से आप लोग खुश हो या फिर दुखी हो, क्योंकि यार जिसने भी भाई इतने सारे कलेक्शन करके ना इंक्यूबेटर रखा था, उनके तो सारे कलेक्शन वेस्ट होने वाले, क्योंकि भाई रिटर्न आने वाला है ये। वैसे गाइस यार एक अपडेट और देना था तुम लोगों को, यहाँ पर जल्द ही ना तुम लोगों को स्टोर के अंदर हमारा जो भी इवोल्यूशन बंडल था ना, जैसे वो कोबरा बंडल था ना, वो इंडियन सर्वर में स्टोर के अंदर आने वाला है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, सच बता रहा हूँ, जल्दी ये इंडियन सर्वर में स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर इवो गन्स भी ना जल्दी स्टोर के अंदर ऐड होने वाला है, जो कि परचेज के सेक्शन में, यानी कि आपको 12-1300 डायमंड लगा करके डायरेक्ट ले सकते हो। ये आइटम ना जल्दी हम लोग को गिफ्ट सेक्शन में भी ऐड कर दिए जाएंगे। वैसे अब ये कब होगा इसका एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं है, बट जो है ना एकदम तगड़ी लीक निकल के आई है कि जल्दी आप लोगों को ये सारी चीजें गेम स्टोर के अंदर ऐड कर दी जाएगी। बस यार आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और इतने दूर तक देख रहे हो तो भाई कनेक्शन तो हो ही गया होगा। एक दूसरे को प्यार मोहब्बत दो यार, वीडियो को कमेंट सेक्शन में भाई एकदम बरसा दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, थारा भाई उधर मस्त मजे मारता है एंड सबको रिप्लाई देता है, तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर पैसे वैसे कमाना सीखना चाहते हो ना तो हमारे थर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टाइटेनियम जी टेक्निकल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए राधे राधे।